हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। आज बहुत सी कॉमन सा पॉइंट लेके आई हूँ कि बहुत से मरीज ऑपरेशन के बाद पूछते रहते हैं कि क्या मैडम हम साड़ी पहन सकते हैं क्या। भारतीय पहनावे में साड़ी की एक बहुत अच्छी जगह है और बहुत सी गृहणियां, बहुत सी लेडीज रेगुलर तौर पर साड़ियां पहनती हैं और उनको जब घर में या ससुराल में जाती है तो साड़ी पहननी ही होती है। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन जब भी हुआ है उनके घर में, उसके बाद भी तुरंत बाद कोई फंक्शन होता है या किसी लड़की की शादी हो रही होती है या और कुछ फंक्शन के कारण उनको ये लगता है कि क्या हम दूरबीन के ऑपरेशन के बाद साड़ी पहन पाएंगे। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी इसी बात का जवाब देने आज आपके साथ उपस्थित हूँ। साड़ी आराम से पहन सकते हैं, साड़ी पहनने में कोई रोक टोक नहीं है। बस जो दूरबीन वाले ऑपरेशन में जो लगेगा आपको प्रॉब्लम हल्का सा कि किसी किसी का जो नाभि के आसपास का वाला जो निशान होता है जहां से हम लोग दूरबीन डालते हैं, कई बार जो साड़ी के बेल्ट की या पेटीकोट के बेल्ट की जो जगह होती है कई बार वो ही होती है। तो ऐसी स्थिति में उस लेडी को थोड़ी परेशानी आ सकती है बाई चांस। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन की वजह से आपको हम साड़ी पहनने के लिए मना करते हैं, बट डेफिनेटली हो सकता है कि वहां आपको इरिटेशन हो, चुभन हो या और कुछ अलग से सेंसेशंस आए, क्योंकि थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन, नमनेस या थोड़ा सा सेंसेशन डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप साड़ी का बेल्ट ऊपर या नीचे थोड़ा सा आगे पीछे करके पहन सकते हैं। बाकी जो तीन निशान होते हैं जो साइडों में है, डेफिनेटली उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उतने विजिबल भी नहीं होते हैं। और वैसे भी जो सारे निशान है 1 से 2 महीने के बाद दिखना बंद हो जाते हैं, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट जो सेंट्रल वाला निशान है वो कई बार थोड़ा थोड़ा विजिबल होता है और उसी के विजिबिलिटी के चलते या तो आप उसको साड़ी ऊपर पहनिए ताकि वो विजिबल ना हो, या साड़ी का बेल्ट आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए ताकि उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। इसके अलावा आप साड़ी के साथ सारे कपड़े और भी पहन सकते हैं, सारी ड्रेसेस पहन सकते हैं। सूट पहनने में कोई परेशानी नहीं है, गाउन पहन सकती हैं आप, ट्राउजर कोट पैंट भी पहन सकती हैं। तो जो मर्जी आए सारे ड्रेसेस आप कैरी ऑन कर सकती हैं। ऑपरेशन से कभी भी ये परहेज नहीं बताया जाता कि आप कोई स्पेसिफिक परिधान या स्पेसिफिक ड्रेस आप नहीं पहन सकती हैं। बट यदि कोई टांकों की समस्या होती है या टांकों के ऊपर आपको इचिंग, जलन या नमनेस जैसी कोई फीलिंग आती है तो डेफिनेटली वहां पे फिर हम लोग थोड़ा सा ड्रेस का ऑल्टरेशन कर सकते हैं। बाकी एज सच दूरबीन वाले ऑपरेशन में वैसे भी हम बार बार आपको बताते आए हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं बताया जाता है। आपको अपना रूटीन काम आप कर सकते हैं, सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हैं, झाड़ू निकाल सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं, तो योगा कर सकते हैं, नॉर्मल अपना एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, नॉर्मल खाना पीना ले सकते हैं। तो एक्चुअली दूरबीन वाला ऑपरेशन किया ही इसलिए जाता है कि इसमें फास्ट रिकवरी होती है, कोई परहेज नहीं बताया जाता, खाना पीना सारा अलाउ किया जाता, आप जल्दी से अपने काम को संभाल सकती हैं और अपने ऑफिस को भी जल्दी ज्वाइन कर सकती हैं। और हॉस्पिटल से तो 1 से 2 दिन के अंदर छुट्टी हो ही जाती है, तो इसलिए एज सच किसी तरीके का हम लोग दूरबीन में ऑपरेशन के बाद परहेज नहीं बताते हैं। और जो ड्रेसिंग भी लगा के भेजते हैं वो भी वाटर प्रूफ होती है, पूरा बॉडी शावर ले सकते हैं। और डेफिनेटली आप ऑपरेशन के 2 या 3 दिन से साड़ियां पहन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो साड़ी पहन के आते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और ऑपरेशन से जब डिस्चार्ज होते हैं तो अपनी नॉर्मल घर की साड़ी पहन के ही घर जाते हैं। तो डेफिनेटली आप भी साड़ी के अंदर स्टाइल मार सकते हैं और अच्छे से शोकेस कर सकती हैं। साड़ी में भारतीय नारी बहुत सुंदर लगती है, तो डेफिनेटली सुंदर लगना हम सबका अधिकार है, तो डेफिनेटली आप साड़ी पहन सकती हैं।